बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि इस बात को गंदगी में डुबो कर आपको फिर बदवा देती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये इंसान निहायत ही घटिया और छोटी सोच रखती हैं। टेलीविजन के सबसे बड़े रियलिटी शो बिग बॉस 16 में एक और जहां नए साल का जश्न मनाया गया, तो वहीं शो में एक कंटेस्टेंट का सफर खत्म हो गया। शो से बाहर आने के बाद विकास मरकतला अंधेरी के मैड स्टूडियोज में नजर आए। इस दौरान विकास ने बिग बॉस और तनिषा शर्मा सुसाइड केस के बारे में मीडिया से बातचीत की। देखिए मैं जैसे ही मेरा एविक्शन हुआ था और मैं यूज्ड टू हो रहा था चीज़ों के और इंसानों के और एनवायरनमेंट का, तो वो पहला इंटरव्यू है, पहली न्यूज़ थी जो मैंने देखी है टीवी पे, और बहुत ही शॉकिंग था। मुझे लगता था कि वो दिखने में बहुत ही प्यारी सी लड़की थी और अच्छा काम करती थी, और मुझे लगा यार व्हाट अ वेस्ट ऑफ लाइफ। अभी ये किसी को नहीं पता है कि क्या रीजंस रहे हैं उनके या क्या सर्कमस्टेंसेस थे जिनकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया, बट आई एम वेरी शॉक्ड कि यार शॉक के साथ ना बुरा लगता है कि यार आपको क्या कहें, मतलब आप समझ ही नहीं आता कि यार आप क्या कह सकते हैं किसी के लिए ऐसे। बट सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हर किसी को, स्पेशली यूथ को, कि प्लीज़ एक ही ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी में चलते रहते हैं। बहुतों की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो इससे भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। थोड़ा नज़रिया बड़ा रखिए और हिम्मत रखिए अपनी प्रॉब्लम से डील करने की, और अपने माँ बाप और अपनी फैमिली को के साथ एकजुट होकर रहिए। विकास मनकतला ने कहा कि बिग बॉस के घर में पहले से ग्रुप्स बने हुए थे जिसकी वजह से उन्हें शामिल होने का मौका नहीं मिला। विकास का कहना है कि वह शो में एक बार फिर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह कभी अर्चना गौतम और शिव ठाकरे से मिलना नहीं चाहते। तनिषा शर्मा सुसाइड केस के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिग बॉस के घर से बाहर आते ही उन्हें सबसे पहले इसके बारे में पता चला, जो कि उन्हें बहुत ही शॉकिंग लगा। उन्होंने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको बता दें कि शो में वाइल्ड कार्ड बनकर हिस्सा लेने वाले विकास मनकतला को सलमान खान ने घर से बाहर कर दिया। विकास ने बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट अर्चना गौतम को नीच जाति का लोग कहा, जिसकी वजह से चैनल को लीगल नोटिस भेजा गया था। इस वजह से बिग बॉस 16 के होस्ट सलमान खान ने विकास मनकतला को शो से बाहर निकाल दिया। यार बहुत ही शर्मनाक है किसी के लिए कहना, और आप बाहर किसी को ऐसे कह देते हैं तो वो फिर तब भी उस बात को नहीं ले पाता है, और अगर ले भी हो तो उसके पास ऑप्शन होती है कि वो छोड़कर चला जाए इस बात को और आगे बढ़ जाए। बट जब आप एक आइसोलेशन में एक घर के अंदर बंद रहते हैं और आपने जिसके साथ कोशिश की हो कि ये सोचा हो कि यार उनके अंदर थोड़ी इंसानियत और सच्चाई है डिस्पाइट कि वो सबसे लड़ते रहते हैं या आर्ग्यूमेंट करती रहती, तो मैंने वो उस एक छोटे से मोमेंट में उनके साथ ये सच्चाई शेयर कर ली थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। और उसके बावजूद भी अगर वो जब किसी से मनमुटाव हो तो वो उस बात को गंदगी में डुबो कर आपको फिर बदवा देती हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये इंसान निहायत ही घटिया और छोटी सोच रखती हैं। और इस बात पे मैं ऐसे इंसान के साथ एक भी मिनट नहीं बिताना चाहता हूँ। तो जबकि उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मैं विश करूँगी, तो मुझे लगा कि यार आप इतना ज़्यादा गंदा कहती हैं, अगर आप उसके बाद किसी को सॉरी भी कहना चाहें ना तो उस पर आप पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि आप फिर मुड़ के दोबारा से कह देंगी तो आपके सॉरी का कुछ मायने ही नहीं रहते।